ग्रुप स्टेज की स्थिति कुछ इस तरीके से है। ग्रुप ए से इंडिया 6 पॉइंट के साथ क्वालिफाई की है, यूएसए 5 पॉइंट के साथ क्वालिफाई कर गई है। 4 मैचों में आज का मैच आयरलैंड और यूएसए के बीच में मैच अबंडन कर दिया गया बिना कोई गेंद फेंके हुए, दोनों टीमों को एक एक अंक दे दिया गया। पाकिस्तान कनाडा आयरलैंड का सफर हो गया है समाप्त। वह यूएसए को ऐसी है कि वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है 3 मैच में 6 पॉइंट, स्कॉटलैंड नंबर 2 पे है 3 मैच में 5 पॉइंट, नंबर 3 पे इंग्लैंड ने बहुत अच्छा नेट रन रेट कर लिया, उन्होंने ओमान को 3 ओवर में ही 50 रन बना लिए थे, तो तीन मैच में 3 पॉइंट है। नामिबिया 3 मैच में 2 पॉइंट -2.098, ओमान 4 मैच खेल चुकी है और इसका सफर समाप्त हो चुका है। में ग्रुप सी में 2 टीमें अभी तक क्वालिफाई कर चुकी है और अफगानिस्तान अनएक्सपेक्टेड अफगानिस्तान नंबर 1 पे है 3 मैच में 6 पॉइंट के साथ। आज इन्होंने पापुआ न्यू गिनी को रन दिया 6 पॉइंट और क्वालिफाई कर चुके। नंबर 2 पे वेस्ट इंडीज 3 मैच में 6 पॉइंट के साथ +2.596 का नेट रन रेट है क्वालिफाई कर चुकी। युगांडा तीसरे नंबर पे है 2 पॉइंट के साथ, पापुआ न्यू गिनी चौथे नंबर पे है कोई पॉइंट नहीं है, और न्यूजीलैंड सबसे बड़ा अनएक्सपेक्टेड सबसे बड़ा ऐसा रिजल्ट रहा न्यूजीलैंड के लिए, न्यूजीलैंड डिस्क्वालीफाई हो गई है, ये सुपर 8 में नहीं पहुंच पाएगी, सुपर 8 के रेस से न्यूजीलैंड आउट हो गई। न्यूजीलैंड के लिए अभी तक के T20 क्रिकेट में ये सेमीफाइनल तक पहुंचती थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि न्यूजीलैंड सेमीफाइनल से पहले आउट हो गई है। कर ले तो ग्रुप डी में साउथ अफ्रीका पहले से नंबर 1 पे पहुंची हुई है, नंबर 2 पे है बांग्लादेश 4 पॉइंट के साथ, साउथ अफ्रीका क्वालिफाई है, नंबर 3 पर नीदरलैंड 2 पॉइंट के साथ, नंबर 4 पे नेपाल 1 पॉइंट के साथ, नंबर 5 पे श्रीलंका, श्रीलंका का सफर समाप्त हो गया है। और यहाँ पे बांग्लादेश और नीदरलैंड की किस्मत अभी भी लटकी हुई है, बांग्लादेश के पास एक मैच बचा हुआ है, एक मैच उसको नेपाल के साथ खेलना है, एक मैच नीदरलैंड को नेपाल से खेलना है, वो मैच डिपेंड करेगा। बांग्लादेश नेपाल को हराती है तो 6 पॉइंट पे पहुंचेगा, अगर बांग्लादेश नेपाल से हार जाती है तो 4 पॉइंट रहेगा। नीदरलैंड के सामने एक लक होगा कि कितने ओवर में रन को चेस करना है जिससे वो क्वालिफाई कर सके, इसका पचड़ा अभी भी फंसा हुआ है। सुपर 8 का ग्रुप कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान ग्रुप ए में है, जहाँ पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान और D2 से फाइनल होने वाला है कि D2 से कौन सी टीम क्वालिफाई करती है। D2 में वहाँ पे नीदरलैंड और बांग्लादेश अभी टेक्निकली दोनों टीमें आउट नहीं हुई है, वहाँ पे नीदरलैंड भी आउट नहीं हुई है। वहीं ग्रुप बी में USA आ गई है, अब B2 की टीम जो कि स्कॉटलैंड इंग्लैंड में से डिसाइड होना है कि कौन सी टीम ग्रुप बी से यहाँ पे क्वालिफाई करेगी, वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका। USA, वेस्ट इंडीज़, साउथ अफ्रीका, ये 3 टीमें ऑलरेडी क्वालिफाई है, 6 टीमें क्वालिफाई कर गई है दोनों ग्रुप मिला के, तो 2 टीमों का डिसीजन अभी भी डिसीजन पेंडिंग है।